बहराइच जिले के करतानिया घाट वन्यजीव प्रभाग अंतर्गत निशाना गाढ़ा रेंज के ग्राम रामपुरवा मटेही के मजरा नवीन पुरवा निवासिनी मनीषा उम्र 6 वर्ष पुत्री उमाशंकर बुधवार सायकाल 7 बजे अपनी मां के साथ शौच के लिए जा रही थी कि अचानक घात लगाए तेंदुए ने 6 वर्षीय बच्ची पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से मां और बच्ची चिल्लाने लगी और मां अपनी बच्ची को तेंदुए से छुड़ाने के लिए अपनी ओर खींचने लगी। शोर सुनकर तेंदुआ घायल बच्ची को परिजन निजी चिकित्सक के यहाँ इलाज के लिए उपचार के लिए लेकर पहुंचे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजौली भेज दिया गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम घायल बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची, जहां उपचार के बाद घायल बच्ची को मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर के डॉक्टर अरविंद कटियार ने बताया कि तेंदुए के हमले में बच्ची के श्वास नली के पास घाव गया है, जिससे बच्ची को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है, जिसको इलाज के लिए लखनऊ ले जाया जा सकता है। फिलहाल उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया है। एक साल शौचालय हम लेकर जाए थे इसको मम्मी हाथ में, इसको बच्ची को हाथ पकड़ने हैं। कई बजे की घटना है? 7 बजे। 7 बजे की? 7 बजे। तो जब तेंदुआ इसको अपनी इसको मम्मी के हाथ में से तेंदुआ खींच लिया जी। जब ये रोने लगी बच्ची तो धरने लग गया। जब धरने लगे तो पूरे आदमी जुट गया। जब चिल्लाने लगे तो तेंदुआ के हाथ में से ये बच्ची को मैं खींच के लेकर आया। तेंदुआ का मुंह देख हाँ तो मतलब पैरों चोट, इसकी सूचना, इसकी सूचना आप लोगों ने वन विभाग को दी थी क्या? जी दी थी। तो सर 5-6 दिन तो वो लोग पहुँचे जी वन विभाग वाले पहुँचे इस बच्ची पहुँचे। हम वहाँ सिजौली अस्पताल गए थे वहाँ पहुँचे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।